नमस्कार, आप कैसे हैं? कहाँ मार्केट में कहाँ कहाँ बेच रहे हैं जरा बताइए आज? क्या क्या बेचना है? मतलब खरीदना है दूल्हा वाला सेटअप क्या कुछ? हाँ, शॉपिंग करने आए हैं, हमारी पूरी फैमिली आई है जिसमें मेरे पिताजी बने हैं संजय पांडे जी, और माँ जी हैं मेरे माया यादव जी, और भाई बने हैं राकेश बाबूकर के, वो हैं भाभी हैं प्रेरणा जी, तो और पल्लवी है मेरी बहन, तो एक पूरी फैमिली है जो जा रहे हैं लड़की को देखने के लिए, और वही अभी शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं, ये सीक्वेंस चल रहा है। गौरव भैया बहुत ठंडी लग रहा है, जैकेट दिला दीजिए ना। अरे बहुत ठंडी है, मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज वाली ठंडी लग रही है यहाँ पर, और बस बारिश हो गई तो इसके वजह। मतलब जैकेट नहीं दिलाइएगा? जैकेट तो आप पहने, आप कितना जैकेट लगे? बहुत पतला है ना, पुराना हो गया है। चलिए आपको एक जैकेट दिला देते हैं बढ़िया से। पक्का? हाँ पक्का पक्का, मोटा वाला जैकेट दिलाते हैं राजा टाइप से। फिल्म का नाम है नैहर, क्या कुछ दर्शकों को दिखाना चाहती है फिल्म? नैहर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको इस फिल्म के राइटर हैं अरविंद तिवारी जी, उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है। ये तो फैमिली के बीच की कहानी है, और एक नैहर है, जाहिर सी बात है कि ये शादीशुदा मतलब शादी के ऊपर ही है फिल्म, जिसमें लड़की के पक्ष जो है अमृतपाली दुबे जी हीरोइन का इसमें किरदार निभा रही है, उनकी फैमिली में है रजनीश कुमार जी हैं, सुधा नवल जी हैं, और काफ़ी संतोष श्रीवास्तव जी हैं, सीपी भट्ट जी हैं, तो काफ़ी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इसमें भरा हुआ। अमरपाली जी के साथ क्या कुछ कैरेक्टर है आपका फिल्म में? मेरा केजा फैमिली से हूँ और वो लड़की वाले हैं। अच्छा, यानी ब्याह अमरपाली से आपका होगा? हाँ, इसमें मेयर और जो भी है कहानी, लेकिन थोड़ा यूनिक कहानी है। अच्छा, और ससुराल तो फिल्म आया, ये आया सब, ये आया, मतलब काफ़ी शादी उदी में बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन एक नैहर। तब तो बहुत लड्डू फूट रहा होगा भाई, अमरपाली से ब्याह होने वाला आपका? अरे मन क्यों लड्डू फूटेगा भाई, अब कमाल करते ही तो ऑन स्क्रीन वाली है। नहीं अभी क्या, कलाकार गांव में जब नए नए लड़कों को शादी होती है तो लड्डू फूटता है, चला ब्याह हो रहा, अभी ठंडी का टाइम है। नहीं अभी जो सीक्वेंस है एक्चुअली ऐसा है कि मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा, शादी करने मूड नहीं है? ऐसा सीक्वेंस वैसा ही है, वो कहानी में पता चलेगा कि मेरा मूड क्यों खराब है, मैं क्यों नहीं शादी करूँ। मैं पिताजी से बात करूँ, एक्सचेंज करूँ कुछ? हाँ तो पिताजी से बात करिए, संजय जी को बोलिए क्यों आपके लड़के का मूड खराब है भाई। मतलब कोई दूसरी लड़की आपको पसंद है लगता है कि? शायद कुछ ऐसा ही होगा, तो ये तो पूरा कहानी आप निकलवा लेंगे मुझसे, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके पिताजी का रोल कर रहे संजय पांडे जी इस बार? हाँ, कि ससुर जी का है? क्या क्या? आपके पिताजी संजय पांडे जी हैं, ससुर है? पिताजी हैं। तो है मेरे रजनी शाजी। अच्छा, रजनी शाजी ससुर है। तो क्या उनकी क्या फनी कैरेक्टर है फिल्म में आपके साथ? वो अमृतपाली जी के मतलब पिताजी बने हैं। अच्छा, और उसके बाद जो अब वो देखना पड़ेगा ना कैसे, दो फैमिली के बीच की कहानी है तो कितना खिचम खाची क्या क्या हो रहा है वही तो है। म्यूजिक पे कितना ध्यान दिया गया है? म्यूजिक पर, म्यूजिक इसमें ओम झाजी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ओम झाजी इतना सुपर हिट गाने दे चुके हैं मार्केट में, लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनके म्यूजिक को, तो उनका इस फिल्म में म्यूजिक है, अभी तक दो गाने भी शूट हो चुके हैं। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना है? डायरेक्टर तो कमाल के हैं भाई, अजय कुमार, अजय झाजी जो काफ़ी अभी चल रहे हैं, मतलब हर महीने फिल्में शूट कर रहे हैं, नेचर के बहुत ही जॉली और बहुत ही फैमिलियर टाइप से वो यूनिट को रखते हैं, और कब शूटिंग खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता है। मैं हम लोग एक दूसरे को जानते तो काफ़ी सालों से हैं, 6-7 साल से 8 साल से शायद, और लेकिन पहली बार कर रहे हैं, काफ़ी इच्छा था उनके साथ फिल्म करने का, और बहुत जल्दी हम लोग कर लिए काम, अच्छे तरीके से शूट हो रहा है। थैंक यू सर, लव यू। थैंक यू, लव यू।